क्या काम नहीं करा, घर के सारे काम तो कर दिए। तो फिलहाल देखते हैं सासू जी ने क्या क्या भेजा हुआ है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन अनदर न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 6:15। तो फिलहाल मैं भी अभी अभी 5 मिनट पहले ही उठा हूँ और थोड़ा सा मुँह धो के बाहर को ही आया हूँ। तो रात भी काफ़ी लेट सोया, तो ऐसा लग रहा है कि नींद भी पूरी नहीं हुई है ठीक से। और जैसा कि श्रीमती जी गई हुई हैं अपने मायके, हालांकि आज वो आ जाएंगी लेकिन किस समय आती है ये कोई पता नहीं है। और गोट में से लल्लू आवाज़ दे रहा है अम्मा अम्मा करके। तो सबसे पहले चलते हैं गोट की ओर और चारा वारा डालते हैं और फिर उनको बाते हैं बाहर। बहुत तेज आवाज़ लगा रहा है, आवाज़ सुनाई दे गई उसको मेरी। रखते हैं। ओहो, क्या हाल कर रखा है तूने। लक्ष्मी तो फिलहाल सोई हुई है आराम से, लेकिन इस भाई साहब को बहुत परेशानी हो रही है। क्या हो गया है, दिक्कत है, कोई परेशानी है? हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, मक्खी मच्छर कुछ है नहीं, आराम से सोए रहा। ले वो भी उठ गई अब। फिलहाल तो पहले ये गुड नाइट का रिफिल बंद कर देते हैं। तो फिलहाल मैं सबसे पहले खुली में भूसा डालता हूँ और फिर कुटी उटी मिला के बढ़िया से तब इनको बाहर मारता हूँ। तो अभी फिलहाल करते हैं गोट की साफ सफाई, जो भी गोबर ओवर है, कचरा उचरा है, वो सब साफ कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा टोकरा, तो इसी में उठाऊंगा मैं। जितना भी सारा कूड़ा कचरा था सब साफ कर दिया आज। तो फिलहाल मैंने लल्लू लक्ष्मी की पूरी खुली जो है चारे से भर दी है और ये अब खाते रहेंगे 1-2 घंटे तक। तो अभी मैं आ गया हूँ किचन में और अब मैं करूँगा पानी थोड़ा सा गुनगुना और फिर उसको पीऊँगा, क्योंकि प्यास भी लग गई है। और कल से तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले गुनगुना पानी पीता था, लेकिन आज श्रीमती जी नहीं है तो थोड़ा सा मुझे अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जानवरों को देखना पड़ता है, उनको टाइम से चारा वारा बाहर मारना ये सब करना पड़ता है, नहीं तो वो अंदर उधंग मचा देते हैं। इसमें पानी गर्म करूँगा मैं। तो फिलहाल मैंने रख दिया इसको इंडक्शन में, तो फिलहाल पी लेते हैं पानी, प्यास जैसी भी लगी गई है। तो फिलहाल मैं पी लेता हूँ पानी और थोड़ा सा रिलैक्स हो लेता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं नाश्ते वास्ते का जुगाड़ करते हैं। क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए बाबू, क्या खाएगा, क्या खाएगा, बता बता क्या खाना है, हैं? तो अभी मैंने पानी वानी पी लिया है और थोड़ा सा बैठकर रिलैक्स हो गया हूँ पंखे के आगे। और अब कैंडी भाई साहब भी आ चुके हैं, तो उनको लग गई है भूख। ले खा, खा, नहीं खाना है, हैं? क्या दूध ही पीना है, हैं? रोटी नहीं खा रहा, बंद खा रहा है, तो इसके भी नखरे एकदम हाई फाई हैं भाई साहब के। तो फिलहाल लक्ष्मी लल्लू ने भी चारा वारा खा लिया होगा, तो उनको भी प्यास लग गई होगी क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो पहले उनको मैं पानी देता हूँ और उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाऊँगा। हाँ, क्या है, क्या है, खा दिया पूरा? कहाँ खाया, अभी तो बहुत है, खाओ, पानी पीना है। तो इनका पेट बिल्कुल डम से भर चुका है दोनों का, तो अभी पानी पियेंगे तो एकदम फुल हो जाएगा इनका पेट। ये ले, ले ले ले, पी 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 पी। तो पानी पिला दिया है इनको अब, तो अभी ये जो भी चारा खुली में है उसको खाएंगे
और उसके बाद जब तक यहाँ पर छाया है ये बाहर ही रहेंगे, तो जैसे ही धूप आने लगेगी तो फिर अंदर कुट्टी उट्टी डाल के तो फिर इनको अंदर बांध देंगे। फिलहाल तो यहाँ पर छाया ही है। तो फिलहाल बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो पिताजी तो मना कर रहे हैं कि मैं रोटी वोटी कुछ नहीं खाऊंगा। तो पिताजी की तबीयत थोड़ी सी अब नॉर्मल चल रही है, जब से उनको बुखार आया तो ठीक से भूख भी नहीं लग रही और कमजोरी भी है उनको, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको देना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं उनके लिए अंडे बना रहा हूँ। तो मेरी भी इतनी इच्छा कर नहीं रही है, तो पिताजी के लिए अंडे बना रहा हूँ मैं, थोड़ा उससे हो जाएगा। और थोड़ा सा दही केला बना रहा हूँ, वो हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने चने भिगाए हुए हैं, वो फ्राई कर लूँगा, तो हो जाएगा मेरा पूरा उससे। तो इसमें मैंने अंडे तोड़ लिए हैं और नमक वमक मिला लिया है, तो इसको फेंट लेते हैं पहले। और बाकी बर्तन हो चुका है गर्म, तो इसमें थोड़ा सा मैं घी डाल देता हूँ। तो अब इसमें डाल देते हैं अंडा। डाल दिया मैंने अंडा। तो ये डाल दिया मैंने इसमें अंडे। तुझे क्या हो गया? और इसमें फिलहाल रख देता हूँ पैन। तो फिलहाल अंडे की भुजिया तो रेडी हो चुकी है, तो अभी मैं बनाता हूँ दही केला। तो फिलहाल मैंने सारे आइटम ले लिए हैं, ये कुछ केले ले लिए हैं और ये डिब्बा है, इसमें मैं बनाऊँगा दही केले। और इसमें है दही। सबसे पहले तो छीलते हैं केले। तू ऐ मत कर यार इतना खा के। तो ये केले मैंने छील दिए हैं लगभग। तो अब मैं डालता हूँ दही। दही का थोड़ा डाउट लग रहा है, खट्टा वट्टा ना हो रहा हो। बस इतना बहुत है। तो अभी मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा काला नमक और डालूंगा थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर का भी पता नहीं चल रहा मुझे कौन सा है। तो ये रेडी हो चुका है मेरा दही केला। तो अब इसको निकाल देते हैं। एकदम गाढ़ा गाढ़ा बना है। तो थोड़ा सा पहले गिलास में टेस्ट करके देखता हूँ, कहीं दही ज़्यादा खट्टा तो नहीं था। पता लग रहा है मैंने तो पानी फिर गया। तो देखता हूँ टेस्ट करके कैसा हो रहा है। लाजवाब हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा दही में खट्टापन है, लेकिन चलेगा। और पिताजी खाए न खाए मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। बढ़िया हो रहा है, खाएंगे। तो पिताजी की थाली हो चुकी है रेडी। तो मैंने वैसे केले भी रख दिए हैं एक कटोरी में काट के, जो उनकी इच्छा करेगी वो खा लेंगे। राहुल लो लो उठो, कैंडी को ज्यादा हो रखे। ये खाओ पहले, लो अंडा है इसमें। सब खाना बर्बाद मत करना। तो पिताजी हैं तो ठीक, लेकिन जो है कमजोरी नहीं जा रही उनकी, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तुझे क्या चाहिए? कितना खाएगा तू? पेट है, कुआं है तेरा, और लाओ अंडा। अच्छा नहीं हो रहा है, लो इसको पियो, इसको पियो, पियो। कैसा लग रहा पी के देखो। कैसा हो रहा, खट्टा? और लाऊं? ये खा लो दही, ये खा लो केले सारे। और लाऊं केला? अब क्या खाओगे? क्या खाओगे अब? दही केला लाऊं? और थोड़ा ही खाया तुमने।
क्या खाने का मन कर रहा है? तो पिताजी को भी खिला दिया है, तो जब तक घर के बच्चे और बुजुर्ग खा नहीं लेते हैं तो दिल को तसल्ली नहीं होती है। और छोटे बच्चे और बुजुर्गों का तो एक सी हालत होती है, तो उनको बड़े प्यार से खिलाना पड़ता है, बोलना पड़ता है खाने के लिए, तब वो खाते हैं। नहीं तो अगर आप उनसे पूछते रहोगे तो वो मना करते ही रहेंगे। इसलिए मैंने उनके पास में बैठ कर खिलाया, अगर मैं आ जाता तो फिर वो खाते नहीं, लेकिन फिलहाल खा लिया है और दवाई ववाई दे दी है। तो फिलहाल अब मैं अपने लिए बनाता हूँ स्पाउट, यानी जो चने भिगा के रखे हुए हैं तो उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेता हूँ, तो मेरा भी हो जाएगा। और दही केला तो वैसे ही बच गया सारा, पिताजी ने थोड़ा सा खाया, तो अभी प्रियांशु आएगा और श्रीमती जी आएंगे तो वो खा लेंगे। तो फिलहाल मेरा फिर से जो है तेल गर्म होने लग गया है, तेल तो नहीं है, घी है। तो इसके जो अंडे वंडे थे वो मैंने कटोरी में निकाल दिए हैं, तो अभी इसी में बनाता हूँ, दूसरा बर्तन क्यों ख़राब करना। तो ये तेल लगभग हो चुका है गरम, ये रहे चने स्पाउट। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं चने, तो इसको बढ़िया से अब घी में मिक्स कर लेते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा हल्का हल्का मसाले डालते हैं, ये रहा जीरा पाउडर, ये रहा धनिया पाउडर, और ये रही हल्दी। हल्दी तो बहुत जल्दी है अभी खाने में, और बाकी मिर्ची उर्ची मैं खाता नहीं हूँ। और ये रहा नमक, तो अभी मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है जो भी मसाले वसाले डालने थे। तो इसको मैं अब थोड़ा सा फ्राई करूँगा, जिसको हाफ फ्राई भी कह सकते हैं, हाफ फ्राई से भी कम। तो ये हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, चने हैं और अंडा है और साथ में है दही केला। तो आज कुछ इस तरह का ब्रेकफास्ट है। तो अब फटाफट से मैं भी ब्रेकफास्ट करता हूँ, और फिर प्रियांशु लोग भी आने ही वाले होंगे, शायद उनको लेने भी जाना पड़ेगा। तो अभी हो चुका है मेरा भी ब्रेकफास्ट, मज़ा आ गया एकदम। तो फिलहाल तो मैं पढ़ता हूँ अखबार, थोड़ी देश दुनिया की खबर लेनी भी ज़रूरी है। हैं काय में आए, आइए आइए, मैंने कहा था फ़ोन कर देना मुझे, लेने आ जाऊंगा। टेम्पो मिल गया, टेम्पो में ही आ गए। तो तुम तो खाली आ रही हो, कुछ लेके नहीं आ रही हो ससुराल से मेरे लिए? लेके आए ना, यहाँ काम कर करके कमर टेढ़ी हो गई है। बैग में लेके आए। सासू जी ने कुछ गिफ्ट विफ्ट नहीं भेजा? गिफ्ट भेजा है इसके अंदर है। तो श्रीमती जी और प्रियांशु आ चुके हैं, तो कह रहे कि हमारी ट्रेन भी छूट गई थी। तो तुम कहाँ से आए घूम के? इधर से लाल कुआं से होते हुए? तो बहुत लंबा पड़ा होगा वहां से, आज गर्मी भी बहुत जबरदस्त है। तो इनकी ट्रेन भी छूट गई, पता नहीं कैसे कैसे छूट गई, किंतु फिर ट्रेन लेट हो गई थी। अच्छा भाई, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इनको टाइम का, ट्रेन जो है 8:45 वहाँ से शायद निकल जाती है 8:30 के आसपास, तो ये सोच रहे थे 9:30। तो आज करीब 2-2.5 साल बाद गए ट्रेन से, इसलिए थोड़ा टाइम टेबल का आगे पीछे हो गया है कन्फ्यूजन। लेकिन फिलहाल कुल मिला के आ चुके हैं घर, धक्के मुक्के खा के गर्मी में। तो प्रियांशु बिल्कुल थका हारा आया हुआ है, गया था यहाँ से हंसता मुस्कुराता हुआ। तो क्या नुमाइश में गया था? कहाँ बैठा, झूले में? कौन से वाले झूले में? उल्टा हो गया है? उल्टा हो गया था। उल्टा हो गया था कैसे? लाइन था, उल्टा हो रहा था, गोल घूम रहा था। कैसे ऐसे गोल घूमने वाला तो उल्टी आई? हाँ, मम्मी भी बैठी? वो नहीं बैठी। तो किसके साथ बैठा तू? दिशु। तो दिशु को डर नहीं लगा? तो अभी अभी भी घूम ही था तेरा सर? अच्छा, तो कल ये हल्द्वानी नुमाइश में भी गए होंगे,
तो प्रियांशु झूले में बैठा और अभी तक इसकी हालत पतली है, कह रहा है अभी भी गोल गोल घूम रहा है। जो बड़ा वाला झूला होता है मैं तो कभी बैठा नहीं उसमें, मुझे तो वैसे ही चक्कर आते हैं। तो सासू जी ने क्या भेजा है मेरे लिए? कुछ नहीं भेजा है, बस खाली जमाई से काम ही काम करवाएंगे। क्या काम करवाया बताओ? है क्या काम करवाया? क्या काम नहीं करा मैंने बताओ फिर? है बताओ क्या काम करवाया जमाई ने सासू माँ ने तुम्हारी? अरे सब कुछ तो करा। क्या करवाया? क्या काम नहीं करा, घर के सारे काम तो कर दिए। तुम्हारा घर है, तुम्हारी सासू माँ का घर थोड़ी है। अरे तो लड़की तो सासू माँ की है ना। सासू माँ का काम कर रहा हूँ मत बोलो। अरे तो सासू माँ की इतनी टेंशन मैंने कम कर रखी है, अपने सर ले रखी है। सासू माँ की टेंशन अपने सर ले रखी है, वो कम है क्या? कम से कम मेरी इस वीरता के लिए मुझे कुछ उपहार तो देना चाहिए। तो किसे काम करने नहीं करते? अच्छा तो फिलहाल देखते हैं सासू जी ने क्या क्या भेजा हुआ है। फिलहाल तो मुझे सामने दो पेड़ दिख रहे हैं हरे भरे। तो ये स्पेशली सासू जी ने भेजा है यहाँ, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, तो ये अपनी लड़की के लिए भेजा है ताकि इनकी छाया में बैठ के धूप ना लगे लड़की को। अरे पेड़ तो दोनों अलग अलग हैं। सेम तो है। कहाँ है सेम? ये अलग है, ये अलग है, पत्ते नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें दोनों के? देखो। अरे दोनों अलग अलग पेड़ है ये। क्या हो गया, कोई बात नहीं। अरे तो एक से लेके आती अच्छा लगता हो, एक अलग एक अलग। और क्या लेके आया बिंसू? जलेबी। कहाँ जलेबी? क्या इसमें जलेबी है? तो और आ रखी है जलेबी। क्या नहीं है? दूध लगाया कहाँ? नया कैंडी बेचारा दूध के बगैर से परेशान है, लगाया नहीं मैंने दूध, खाली लात वात मारती पता लग रहा, हाथ हाथ में और मार दिया मेरे। चाय आई तो नहीं, ड्यूटी जाना भी बंद। चाय पी कौन रहा है? तुम्हारे अलावा कोई नहीं पीता चाय? बाबू पी नहीं रहे, कल छाई सुबह उन्हें चाय बना दूंगी। कहा मैंने कहा पानी चाय बोला चाय 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 बना दूं बोला तुमने डायरेक्ट चाय बना। ठीक ही चाय बना देता एकदम कड़क। एक थाली लाओ डाल दे। अरे हां यार अलग है। अब हां यार देखो अब दिखाई दे रहा है इसको यार, हद है। हैं तुम्हें तो मुर्गा भी मोर दिखाई दे रहा है। देखिए दूर से एक जैसे लग रहे हैं ना। अरे सांप को पता ही नहीं ये दूर से कहां ये सांप दिख रहे हैं। एक पेड़ बिल्कुल ही अलग डिजाइन है उसका, एक का अलग है, एक बड़ा है एक छोटा भी है। नहीं बराबर ऐसे ही है। अब अपने मन की तसल्ली के लिए कुछ भी बोल लो, बराबर है। हमें तो जो दिख रहा है पता भी नहीं चल रहा है, मुझे तो जो दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। क्या पहले दादू को दो थाली तो लाओ। अभी फिलहाल हम ले रहे हैं जलेबियों का स्वाद, तो जलेबी लेके आए हैं। बाबू दे दी दादू को। और क्या है झूले में? कुछ नहीं है तो लग रहा भजन। क्या है इसमें? दाल वाल क्या है? अरे वो पता ही नहीं। अरे और या ये दाल और भी है इसमें कुछ कहाँ है? ये क्या कुछ? ये क्या है? हैं पता नहीं क्या पिछले क्या है? मक्के का नहीं। ये क्या है? मक्के का आटा? किसका था? मक्के का है तो शर्मा चुरी हो, मक्के का आटा है तो नहीं। मक्के का नहीं है यार, ये काय का आटा है। तो हमारी सासू जी ने बहुत कुछ भेजा है लेकिन बेटी दिखाने में पता नहीं क्यों हड़बड़ा गई है, जैसे चोरी करके लाई होगी। चोरी करके लाई होगी? चोरी करके लाई, चोरी करके तो लाई है। कोई पता नहीं तो चोरी करके लाई, तो इसलिए तो इतना मत दिखाओ गया। तो सासू जी देख लेना ब्लॉग में आपकी लड़की क्या क्या लेके आई है वहां से, कहीं हाथ साफ करके तो नहीं आई है कुछ पता नहीं। हाथ साफ करके लाई तभी तो कह रही हूं मत दिखाओ। तो भैया ये आया है सामान। चलो